कृष्ण प्रकट हुए थे, वसुदेव महाराज बोल रहे थे, बोले बताओ कृष्ण हम कैसे यहाँ से निकले। बोले कोई चिंता मत करो, केवल मेरे को अपना सर पर रख लो, ये सारे तुम्हारी हथकड़ी बड़ी खुल जाएगी, पहरादार सो जाएंगे और जो बड़े बड़े लक ताला अपने आप खुल जाएगी, चिंता मत करो, केवल मेरे को अपना सर के ऊपर रख लो एक बार। सचमुच से जब सर को ऊपर रखे ना, कितना करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। सचमुच से जब सर को ऊपर रखे, सारे दरवाजा अपने आप खुल गया, हथकड़ी बड़ी अपने आप खुल गई, पहरादार सो गए। देखो यहाँ पर शिक्षा देते हैं, अगर हमें कोई भी काम करना तो अगर भगवान को आगे रख करके कोई काम करना, देखना सारे काम अपने आप हो जाएगा। इसलिए अपने आप खुल गया, लेकिन जब अंदर में आ गए अपने आप दरवाजा बंद हो गया, अपने आप दरवाजा बंद हो गया। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं, घर में कुछ भी काम करो भगवान को ले करके करो, भगवान को छोड़ करके नहीं। लेकिन हम उल्टा ही करते हैं, अपना बच्चे का बर्थडे होगा, शादी का सालिग्रह होगा, सारा दुनिया को हम बुलाएंगे और गंदी गंदी फिल्म की हैं, गंदी गंदी फिल्म के गाना के ऊपर नृत्य करेंगे, दारू पिलाएंगे, मांस मछली खिलाएंगे सारा दुनिया को। लेकिन तुमने, तुमको जिसने सब कुछ दिया ना, कोई भी भगवान भक्ति से कोई मतलब नहीं। देखो आप बुरा मत मानो, ये संत का कहना है। बोले कभी कभी हम जिस बच्चे का बर्थडे में इतने बोतल तोड़वा दिए और इतने जानवर को मार करके उसका मांस को हमने खिला दिए, जिस बच्चे का बर्थडे में, वो संत कहते हैं, बताओ वो संत, वो बच्चे का कभी कल्याण हो सकता है कभी? वो संत कह रहे थे अगर 100 साल जिंदा होगा ना, झट 50 साल में उतर आएगा, क्योंकि उसको उद्देश्य में तुमने इतने पाप कर्म कर रहे हो। इसलिए पहले हमारी संस्कृति थी, बच्चे का कुछ भी बर्थडे हो, शादी भादी हो ना, क्या करते थे, माताएं बैठ कर कीर्तन करती थी, भगवान की भजन गाती थी। कोई भी काम अगर भगवान की भजन को साथ में लेकर करो, कितना मंगल भवन अमंगल हारी, देखना सारे अमंगल दूर हो जाएगा। लेकिन हम सारे को सारे उल्टा काम करते हैं, कोई भजन भजन से कोई मतलब नहीं, उल्टा पुल्टा डिस्को डांस के ऊपर नाचना, शराब पिलाना, मांस खाना, कभी इससे कल्याण हो ही नहीं सकता है जीव का। इसलिए कुछ भी काम करो भगवान को लेकर के चलो आगे। लेकिन हम क्या करते हैं, अपना लिए देखो, अपना आलमीरा में देख लेना, हैंगर में कितने साड़ी कितने सूट सलवार हमारे हैं, लेकिन ठाकुर जी के लिए देखो, दिन में हम स्वयं दिन में 2-3 बार साड़ी को बदला लेते हैं, लेकिन कभी कभी ठाकुर जी को देखना, वो 10-15 दिन से एक कपड़ा में ठाकुर जी बैठे। जिसने तुम्हें सब कुछ दिया, वो 10-15 दिन में एक कपड़ा में वो खुद बैठा हुआ, और जो और उसका सब खा रहे हैं, और दिन में 3 बार ड्रेस को बदला रहे हैं। इसलिए द्रौपदी ने भगवान का अंगुल कट गया, द्रौपदी ने थोड़ी सी साड़ी को फाड़ करके उन्होंने बैंडेज कर दिया, ठाकुर ने क्या दिया? ठाकुर जी सोच रहे थे कब मुझे ऐसे मौका आए, इसका ऋणी हम कब चुकाए। उसने साड़ी फाड़ करके मेरे अंगुल में बैंडेज कर दी, और जिस समय दुशासन ने उसकी लाज ले रहा था, स्वयं ठाकुर जी वस्त्र बन करके प्रकट हो गए। 10,000 हाथी का हाँ, ताकत खत्म हो गया, लेकिन 10 गज साड़ी समाप्त नहीं हुआ। इसलिए हमारे स्कंद पुराण में बताया, जैसे भगवान को जो ड्रेस पहनाते हैं उसमें जितने धागा होता है ना, उतना कल्पतक जीव का वैकुंठ वास होता है, इतना महत्व है। इसलिए क्या करो, जब अपना लिए बच्चों के लिए जब कोई वस्त्र लाते हो, सबसे पहले गोपाल जी के लिए ठाकुर जी के लिए कपड़ा लाओ, अपना लिए नहीं, पहले ठाकुर जी के लिए कपड़ा लाओ हैं, उसको बाद में बोले कि ठाकुर तो 4-5-6 सेट है, बोले तुम्हारी कितना सेट है, तुम्हारी कितना सेट है देख लो, जिसने दिया तुमने सब कुछ उसके लिए क्या किए हो। इसलिए कोई भी काम हो घर में, पहले भगवान को भोग लगाओ, दुनिया को खिलाने से पहले शुद्ध रूप में रसोई बनाओ, बना करके पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ। देखो परसों दिन हम गए थे कि शादी में, हमारे किसी भक्त का शादी था, वहाँ पर बगैर प्याज लहसुन के सारे खाना बना हुआ था, बगैर प्याज लहसुन के हैं, पहले उन्होंने ठाकुर जी को भोग लगाए, और कितने लोग आए थे, सबको उन्होंने भगवान का प्रसाद खिलाया, कोई शराब खराब नहीं, वहाँ पर कोई शराब का नाम नहीं था, और बहुत लोग आए थे। लेकिन हम लोग जितने गंदे गंदे काम सारे करते, शराब पिलाना, मांस खिलाना, ये सब
बहुत पाप कर्म है, इसको नहीं करके सब कुछ पहले भगवान के लिए करके उसको काम को करो, देखना सारे काम तुम्हारी बढ़िया होगा, सारे काम तुम्हारी बढ़िया होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जब अंदर में प्रवेश करते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वो लड़की ने जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दी, पहरेदार जाकर कंस को खबर दे दिया, तेरा काल ने जन्म ले लिया। कंस भागते भागते वहां पर आया, देखा वो बेटा नहीं एक बेटी है। देवकी बोली, भैया तू मेरे छह छह बच्चों को मार डाले हो, केवल ये बेटी को दे दे, इसलिए इसको मारो मत। बोले बेटी क्यों और बेटा क्यों नहीं, हो आकाशवाणी हुई थी अष्टम गर्भ का संतान मेरे काल बनेगा। अभी तक तो वो थी योग माया, लेकिन जब कंस ने स्पर्श की झट हो गई महामाया। जब उसने पछाड़ने गया, इतने में वो महामाया ने कंस को एक ठोकर मारी और आकाश में उड़ गई और अष्टभुजा को धारण करते हुए बोली, रे मूढ़ कंस, तुम मुझे क्या मारोगे, तेरे को मारने वाला तो अन्यत्र जन्म ले चुका है। इतने में उन्होंने सारे उसके अनुयायियों को पुतना अघासुर बकासुरों को बुलाए, बोले बताओ क्या करनी चाहिए। पुतना खड़ी हो गई, बोले भैया कोई चिंता मत करो, मेरा नाम ही पुतना है, मतलब पुतना, पुत मतलब होता है पुत्र और ना मतलब होता है नहीं, जिनकी पुत्र ही नहीं फिर ये पुत का क्या काम है। कहते मैं अपना मन मर्जी रूप धारण कर सकती हूँ, कहीं भी अगर बच्चा जन्म लिया होगा एक महीना अंदर में ना, बोले हाँ, बोले सारे बच्चों को मैं मार डालती हूँ। पुतना बड़ी सुंदर श्रृंगार करते हुए पहले पहुंच गई गोकुल में। जब गोकुल में पहुंचे सब जगह में एक ही चर्चा है, नंद के घर में लाला भयो है, देखने में तो काले हैं लेकिन बड़ा सुंदर लाला है। कुछ गोपियां जा रही थी हिल मिल करके नंद भवन में, और ये पुतना तो हिल मिल करके उनको साथ में मिल गई और सीधा पहुंच गई कहाँ पर, नंद भवन में। उसी समय मैया जसोदा और रोहिणी वहां पर थी, लेकिन ये पुतना बोली, इतने सुंदर लाला को थोड़ी पल्ले में झुलाते हैं, उसको गोद में लेकर प्यार करनी चाहिए। उसने सीधा कृष्ण को पकड़ करके गोद में उठा ली। इतने में कृष्ण आंख बंद कर दिए, तब हमारा टीकाकर इसको पीछे पांच कारण बताते हैं। कृष्ण आंख उन्होंने क्यों बंद की, ये बच्चे लोग, ये बच्चे लोग यहाँ आप लोग जो बैठे हुए ना, देखना बच्चे उधर नहीं करें, चुपचाप बैठा, चुपचाप बैठने के पीछे चली जा। इतने में पुतना उन्होंने आंख को बंद कर दी, बोले क्यों बंद की, इसके पीछे पांच कारण बताए। पहला कारण है, बोले तुम कपटी हो, ऊपर में तो माँ की रूप धारण करके आई लेकिन अंदर में तुम जहर को, स्तन को अंदर में जहर भर करके लाई हो, इसलिए कपट व्यक्ति का मैं मुंह देखना नहीं चाहता हूँ, इसलिए प्रभु ने नेत्र बंद कर दिया। दूसरा कारण है, बोले तुमने आई किस लिए, बोले मेरे सारे सखाओं को मारने के लिए, ब्रज में जितने ग्वाल वाल सब जन्म हुए हैं मेरे सखा सखियों को मारने के लिए आई हो, इसलिए मैं तेरे मुंह को देखना नहीं चाहता हूँ। तीसरा कारण बताए, आई थी माँ की रूप धारण करते हुए लेकिन मारने के लिए प्रभु बड़े दयालु हैं। अभी भगवान सर्वप्रथम उन्होंने ये पुतना को मारे सबसे पहले, बल अभी तो मैं श्री गणेश करने जाऊंगा लेकिन ये माँ की रूप धारण करते हुए आई, मारूंगा तो छटपट आएगी लेकिन मैं दुख को कैसे देखूं, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर दिए। चौथा कारण बताए, बल ये पूर्व जन्म में ऐसे क्या पुण्य की जो मेरे को ये गोद में उठा रही है, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम कहीं आबत नाही, लेकिन इसने क्या की मेरे को गोद में उठा रही है। आंख बंद करके देखा, सचमुच से ये पूर्व जन्म में बलि महाराज की बेटी ये रत्नमाला थी, और उसने मन मन में सोची थी क्या ऐसे सौभाग्य मेरी होएगी, क्या हम इसको गोद में लेकर लाड़ लड़ा सकती हूँ, इसलिए देखा सचमुच से ये बड़े पुण्यात्मा है, ये कोई साधारण नहीं, इसलिए आंख बंद करके उसकी पूर्व जन्म को प्रभु सोच रहे थे। उसका पंचमा कारण बताए, अभी भगवान जहर पान करेंगे लेकिन भगवान के गर्भ में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड विद्यमान, अगर प्रभु जहर पान करेंगे तो क्या होगा, विश्व ब्रह्मांड ध्वंस हो जाएगा, सारे देवता हाहाकार करने लगे, हे प्रभु रक्षा करो, प्रभु आप विष पान मत करो, आपका गर्भ में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड ध्वंस हो जाएगा। इतने में उन्होंने आंख बंद करके श्री भोले बाबा को डाके,
बोले भोले बाबा जल्दी जल्दी आओ। बोले क्या बात है? बोले क्या बात किया? आपका काम है बीज पीना और मेरा काम है दूध पीना। आप बीज बीज पी लो, मैं दूध दूध को पी लेता हूँ। इसलिए जब उन्होंने उसको मुंह में स्तन दिए, भगवान स्तन किया पान करके, भगवान उसको प्राण को शोषण की। उसने छुड़ाने के लिए कोशिश की, प्रभु बोले देखो मैं तो केवल पकड़ना जानता हूँ, छोड़ना कभी सीखा ही नहीं, तब तक तेरे को नहीं छोड़ूंगा जब तक अपना धाम में नहीं पहुंचा दूं। लेकिन कोशिश करने पर जब छुड़ा नहीं सकी, सोच रही है मथुरा चला जाऊं, मेरे भैया कंस कुछ ना कुछ करेंगे। उतना धीरे 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 अपना भयंकर विकराल रूप को धारण की और कृष्ण को पकड़ करके आकाश में उड़ चली। बोले कहां पर चली? बोले मथुरा जा रही थी। बोले कृष्ण बोले जाने नहीं दूंगा। कहां जाओगी मथुरा? तुम मेरे पास में आए हो। बोले श्री कंस का एक बड़ा सुंदर बगीचा था, बड़ा सुंदर फल फूल से भरा हुआ सबसे प्यारा बगीचा। लेकिन कंस का निर्देश था यहाँ का कोई भी फल फूल कोई कृष्णा कृष्ण भक्त की सेवा में नहीं लगनी चाहिए और मेरे को और मेरे जितने अनुजाई राक्षसों को मिलनी चाहिए। कृष्ण ने कहा दुनिया बनाया मैं नहीं, और मुझे नहीं मिलेगा मेरे भक्तों को नहीं बनेगा। जब मेरे भक्तों को मेरे को मिलेगा नहीं, अभी मैं दिखाता हूँ। जोग माया ने किया कि पुतना को उड़ा करके वहीं पर ले गए, और पुतना कितना बड़ी थी? बोले त्रिगभ्यु थी, मतलब 18 मील तक लंबाई चौड़ाई थी। और उसको लेकर के उसी बगीचा में इतने जोर से धड़ाम करके उसको गिराए और जितने वहां लता बता वृक्ष फल फूल सबका सत्यानाश कर दिया। इस विषय को बड़े हमारे श्री जीव गोस्वामी एक हुए हैं, वो बड़ा सुंदर टीका लिखते हैं। देखो आप लोग तो 6-7 दिन तक कथा सुनोगे, इतनी सी बात यहाँ से लेकर के जाए। वो क्या कहना चाहते हैं? पुतना क्यों वहां पर गई और पुतना क्यों वो बगीचा को तसनस कर दी? देखो ये भाव का आप लोग समझो और कोशिश करना इतना सीखा अपना घर में लेकर जाओ, फिर तो आपको कथा सुनना सार्थक हो जाएगा। देखो ये क्या कहते हैं, ये उपनिषद का श्लोक है। बोले ईसा बासमिदम सर्वम जत्किंत्या जगत्या जगत। इसका तात्पर्य है ये विश्व ब्रह्मांड में हम जो कुछ देख रहे हैं वो दुनिया भगवान ने बनाया, ठाकुर जी का दुनिया है, हमने कोई चीज नहीं बनाई। फिर क्या करनी चाहिए? बोले घर में जो कुछ जो खाओ ठाकुर जी को भोग लगा कर खाओ, ठाकुर जी को भोग लगा कर खाओ तो वो प्रसाद हो जाएगा। अगर ठाकुर जी प्रसाद हो जाएगा तो क्या होगा? कृष्ण गीता में कहते हैं प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस हो जाए थे, मतलब जो व्यक्ति मेरे को भोग लगा कर खाते हैं घर का जितने दुख कष्ट है सारे दुख कष्ट खत्म हो जाएगा। क्यों? जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन। अब भगवान का प्रसाद खा रहे हो उससे तुम्हारी खून बनेगी ब्रेन बनेगी, कृष्ण कहते हैं तुमको शांति मिलेगी। अगर ठाकुर जी को भोग नहीं लगाए, कृष्ण गीता में कहते हैं भुंजन्ते तु अघम पापा। बोले हे अर्जुन जो मेरे को भोग नहीं लगाए अपने आप बनाए और अपने आप खा लिए, कहते केवल ये पाप भक्षण करते हैं, केवल पाप भोजन करते हैं। और मनु संहिता में बताए स्वान विष्टा समचरना, मतलब है जो चीज ठाकुर को भोग नहीं लगता है कहते ये कुत्ते का विष्ठा की बराबर है, और जो पानी कहते ये पेशाब का बराबर। क्यों? तो भगवान को तुमने भोग नहीं लगाया। और उपनिषद कहता है सब चोरी करके खाना हो रहा है, क्यों? दुनिया भगवान ने बनाया उसका ही दुनिया, इसलिए क्या करो घर में जो कुछ खाना बनता है पहले भगवान को भोग लगाओ, ठाकुर जी को तुलसी दल से भोग लगा देना, भोग लगा करके फिर पति को खिलाओ बच्चों को खिलाओ फिर सबको खाना खिलाओ, फिर घर में कृष्ण कहते परम शांति और परम सुख घर में होगा। लेकिन एक उसमें समस्या है, क्या समस्या? अगर माछ मछली बनाएंगे क्या भोग लगाओगे? अगर उसमें प्याज डालोगे क्या फिर भोग लगेगा? फिर उसमें भोग नहीं लग सकता है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं क्या क्या चीज को आप भोग लगा सकते हो? बोले पत्रम पुष्पम फलम त्वयम जो मैं भक्त्याः प्रयच्छति। कृष्ण गीता में बता दिए क्या क्या तुम भोग लगा सकते हो। बोले पत्रम बोले पत्ता, पुष्पम बोले फूल, फलम बोले फल, त्वयम मतलब पानी। कृष्ण गीता में ये चार चीज का कृष्ण गीता में नाम लिया है। बोले ये चार चीज मुझे भोग लगा सकते हो। इसलिए आप लोग कोशिश करना, जैसे
बगैर प्याज लहसुन के खाना बनाने के लिए, हैं, बगैर प्याज लहसुन के शुद्ध रूप में खाना बनाने के लिए कोशिश करना और भगवान को भोग लगाकर खाना खाओ। बोले भैया प्याज लहसुन में क्या दोष है, ये तो मिट्टी के नीचे से ये प्याज लहसुन सृष्टि हुई है, बोले इसमें क्या दोष है। इसलिए हमारे भागवत में एक कथा आती है और दूसरी पुराण में दूसरी कथा आती है, कहती है प्याज लहसुन हमें क्यों नहीं खानी चाहिए। देखो ये दो कथा आती है, एक कथा आती है पहले पहले ऋषि मुनि अपना आश्रम में गैया पालते थे, अगर कोई गैया बूढ़ी हो जाती तो उसको मरने नहीं देते थे, यज्ञ करके उसमें बलिदान देते थे। लेकिन ऋषियों के पास में इतने सिद्ध मंत्र होता था, वो गैया को मंत्र के द्वारा जिंदा कर देते थे, एकदम उसको जवानी बना देते थे बूढ़ी से। एक समय एक गैया बूढ़ी हो गई, यज्ञ के अनुष्ठान की गैया को बलिदान दिया, सबके हाथ में मांस दे दिया। हर तरह के लोग होते हैं, किसी ने वो लाल लाल मांस को देखकर खाने की इच्छा हुई, सोचा अभी मैं इसको छुपा देता हूँ बाद में खा लूंगा, उसने छुपा दिया राखों में। ऋषि ने मंत्र पढ़े, गैया जवानी बन करके निकली, लेकिन जिस अंग का मांस को उन्होंने छुपा दिया था वहां पर देखा घा बना हुआ, वहां पर जगह भरा नहीं था। ऋषि ने ध्यान लगाए, देखा किसी ने मांस खाने का लोभ से उसको छुपा करके रखे, फिर उन्होंने अभिशाप दिए, बोले जहां पर ये मांस को छुपा दिया वहीं पर प्याज की पौधा होगी, मांस जैसे लाल लाल रंग के प्याज भी लाल लाल रंग के बनेगा, जैसे मांस सड़ जाने पर बदबू आती है और प्याज में भी ऐसे बदबू प्याज में आएगा। देखना प्याज आप काटो एकदम आस पास में सारे एकदम बदबू बदबू फेंक जाती है, अब कच्चा प्याज खाओ मुंह से इतने बदबू निकलेगा अब सामने बात नहीं कर सकते हो। जैसे आप लोग नवरात्र रखते हो नवरात्र को 9 दिन तक प्याज लहसुन कोई खाते हो, कोई खाते हो नहीं खाते हो, बोले क्यों नहीं खाते हो, माता जी को पसंद नहीं इसलिए तो नहीं खाते है ना, उसके बाद में फिर क्या खा करके मैया को नाराज कर दो फिर। इसलिए जो चीज भगवान को भोग नहीं लगता है वो चीज हमें स्वीकार नहीं करनी चाहिए। कभी ये एक कथा आती है, दूसरी कथा आती है जिस समय समुद्र मंथन से अमृत निकला और दैत्यों ने अमृत छीन करके ले गए, ठाकुर जी मोहिनी अवतार लिया, बोले मैं तुमको आपस में बांट दूंगा, बोले दो लाइन करके बैठो। जब देवता को दे रहे थे चंद्र सूर्य को बीच में ये स्वर भानु नाम का दैत्य आकर के छुप करके पी लिया, इतने में चंद्र सूर्य ने इशारा किया प्रभु ये दैत्य ने इसको पी लिया है अमर बन जाएगा, भगवान चक्र को बुला करके उसको गले को काट दिए। बोले जहां पर वो रक्त और खून वहां पर मांस गिरा वहीं पर ये प्याज की पौधा हुई, जहां पर उसकी हड्डी गिरा वहां पर लहसुन की पौधा हो गई, जहां पर खून का बूंद गिरा वहां पर मसूर डाल होगी। इसलिए आप देखना आपका घर में एक दो पीढ़ी पहले देखना ये तीन चीज वो घर में कोई घुसाया नहीं करते थे, आप लोग सब देख लेना, क्योंकि हर व्यक्ति पहले भगवान को भोग लगा कर खाते थे। पहले तो हमारे हिंदू समाज में आप लोग देख लेना, एक पीढ़ी पहले देखना किसी हिंदू घर में ये चीज नहीं घुसता था, इसको केवल छोटे जाति के लोग इसको खाया करते थे, लेकिन धीरे धीरे कली की प्रभाव से चीज बढ़ने लग गई। इसलिए एक कोशिश करना जितने शुद्धता को पालन करते हुए भगवान को भोग लगा कर खाओ। इसलिए उन्होंने क्या किया, पुतना को उड़ाते हुए ले गया और उन्होंने बगीचा में ऐसे गिराया पूरा के पूरा उन्होंने तसनस उन्होंने कर दिया। अभी सारे ब्रजवासी भागे पीछे पीछे, बोले हमारा लाला कहाँ गया, लाला कहाँ गया, देखा छाती के ऊपर में किलकारी मारते हुए खेल रहे। फिर कृष्ण को वहां से उतराया, उतरा करके उनको गैया क्या पूछ से झाड़ा लगवाया, जब पुतना को शरीर को जलाया उसको शरीर से अगूर कर्पूर चंदन की खुशबू निकल रही थी। बोले क्यों, बोले भगवान ने जिसकी स्तन पान की है। जब श्री नंद बाबा वापस आए, गए हुए थे मथुरा में कंस को कर देने के लिए, जब वापस आए इस बात को देख करके बोले भैया एरे गेरे व्यक्तियों को घर में घुसने मत दिया करना, वहां पर जब तक मैया जसोदा मेरा आदेश नहीं हो, एकदम कड़ा पहरादार वहां पर बैठा दिए। इतने में श्री भोले बाबा आए बड़े सुंदर श्रृंगार करते हुए, बोले भगवान का सारे लीला तो देखा लेकिन ये बाल गोपाल स्वरूप मैंने दर्शन नहीं की। इतने में श्री शंकर जी बड़े सुंदर श्रृंगार करते हुए गोकुल में श्री भोले बाबा पहुंचते हैं। आपको पता होगा भोले बाबा का श्रृंगार किया है,
हैं, कहते ना शंकर जी को सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, शंकर जी को सुंदर बताया, सुंदर बताया। लेकिन शंकर जी का जो ड्रेस है ना वो बड़ा असुंदर है। शंकर जी शरीर में क्या लगाते, कोई स्नो पाउडर लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, क्या लगाते हैं? शमशान की राख लगाते। बोले क्यों, क्या शंकर जी को कोई चंदन कर्पूर और मिला नहीं? शंकर जी शमशान की राख को मलते हैं। कहते श्री शंकर जी ये आदि गुरु है, श्री शंकर जी इसलिए ये दुनिया को वही शिक्षा देते हैं। बोले भैया जिस शरीर को तुम ब्यूटी पार्लर में जाकर कितने सजाते हो, स्नो पाउडर और इसमें क्या क्या लगाते हो, इसका परिणाम क्या है? बोले दो मुठी राख है। इसलिए शंकर जी गला में हड्डी की माला है। बोले इसका परिणाम एक दिन दो हड्डी और कुछ नहीं। इसलिए प्यार करना तो भगवान कृष्ण को प्यार करो, उसको प्रेम करो। बोले शंकर जी का श्रृंगार क्या है, कोई सोने चांदी को शंकर जी नहीं पहनते हैं, सारा शरीर में सर्प ही सर्प है, गले में सर्प, कमर में। बोले सर्प कौन है? बोले साक्षात अनंत देव है, ये शंकर जी की गुरु श्री अनंत देव है। शंकर जी दुनिया को शिक्षा देते हैं, अगर अलंकार पहनना है ना, गुरु जी की उपदेश को अलंकार रूप में धारण करो, क्योंकि ये जो सांप ये अनंत देव साक्षात है, शंकर जी के गुरु श्री अनंत देव है। बोले श्रृंगार रूप में श्री गुरु जी के उपदेश को धारण करो। शंकर जी को कौन सा फूल चढ़ता है? कोई जुई बेली चमली नहीं, जो जंगल में अपने आप हो, धधुरे और आकंद। बोले क्यों, शंकर जी को क्या बढ़िया कोई फूल मिला नहीं? शंकर जी कहते प्रभु मैं तो प्रभु का सेवक हूँ, इसलिए प्रभु जी शंकर जी चंदन नहीं लगाते हैं। बोले तो बांके बिहारी राम के लिए चंदन है, अगर मैं चंदन लगाऊंगा ना सारा दुनिया चंदन मेरे सर पर, मेरे प्रभु की सेवा में चंदन कमी हो जाएगी। इसलिए शंकर जी ये अच्छे अच्छे पुष्पों को धारण नहीं करते हैं। बोले जंगल में जो फूल होता है जिसको कोई नहीं व्यवहार नहीं करते हैं, शंकर जी उसी पुष्पों को धारण करते हैं। कहते जो बढ़िया बढ़िया फूल तो मेरे प्रभु कृष्ण राम की सेवा में लगेगा, क्योंकि शंकर जी परम सेवक है। इसलिए शंकर जी अपने आप को छुपाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन शंकर जी अपने आप को छुपा नहीं सके। बोले क्यों, बोले शंकर जी में सबसे बड़ा पवित्र वस्तु है। आप लोग बता सकते हो शंकर जी में सबसे पवित्र वस्तु क्या है, जिस वजह से शंकर अपने आप को छुपा नहीं सके? हैं बताओ तो क्या शंकर जी में सबसे पवित्र वस्तु, कौन बोलेगा हाथ उठाओ, कौन बोलेगा हाथ उठाओ, क्या सबसे पवित्र वस्तु बताओ? हाँ गंगा जी है, शंकर जी की जटा में माता गंगा जी है, सबसे पवित्र वस्तु ये गंगा है। बोले श्री गंगा माता जी की। इसलिए शंकर जी ये परम वैष्णव है, ये संत होने का नाते वो अपनी आप को छुपाना चाहते हैं। कहाँ रहते हैं? बर्फ गोबर में, जैसे कोई नहीं जा सके लेकिन सबके सब वहां भी चले जाते हैं। इसलिए शंकर जी जब अपना श्रृंगार करते हुए शंकर जी आए दर्शन करने के लिए, सामने एक दासी थी। शंकर जी बोले मैंने सुना है नंदक घर में के लाला भयो है। बोले लाला भयो तो तेरे कहा भयो है? बोले मेरे को एक बार लाला का दर्शन करा दो। बोले बाबा तू ऐसे रूप धारण करके आयो है, तेरे को देख करके मैं ही घबरा रही हूँ, और लाला तो अभी बड़े छोटो से है, बड़े जल्दी उसके ऊपर नजर लग जाती। बोले बाबा लाला का दर्शन नहीं होएगा, सोना चांदी जो लेना लो और रास्ता में देखो, क्योंकि कुछ दिन पहले ये पुतना आ गई थी, ये तो बड़ी सुंदर बन करके आई थी लेकिन निकली और राक्षसी, लेकिन तू तो देखने में वैसे लग रहे हो, तेरे को देख करके मेरा ही हाँ जी धड़कन लग रहा है, इसलिए बाबा लाला का दर्शन नहीं होएगो। उन्होंने जाकर के मैया जसोदा को बोले, बोले बाबा कोई आए, मैया देखकर मैं डर रही हूँ, जाकर के देख। सचमुच से मैया आकर के देखा शंकर जी को, वो तो बेस बदला करके आए। बोले बाबा कहाँ बात है? बोले मैया मैंने सुना है तेरे घर में के लाला भयो है। बोले मेरे लाला भयो तो तेरे कहाँ भयो है? बोले लाला को दर्शन करा तो बड़ी आशीर्वाद दूंगा। बोले बाबा तेरे को देख करके मेरा जी घबरा रहा है, कुछ दिन पहले पुतना आ गई थी, लाला का दर्शन नहीं होगा, अपना रास्ता देखो, सोना चांदी लेना जो जाओ। शंकर तो वहीं पर त्रिशूल गाड़ करके बैठ गए। नंदगांव गए हो? कौन कौन नंदगांव गए हैं? हम लोग गए होंगे, वहां पर एक जोगिया कुंड है जहां पर शंकर जी
योगी बन करके त्रिशूल गाड़ करके तीन रात तक कृष्ण का दर्शन करने के लिए बैठ गई वहीं पर, वहां से हटे ही नहीं। इतने में ही शंकर जी भगवान को ध्यान लगाए, बोले प्रभु बड़े दूर से आया है, दर्शन एक बार दे दो। आपका सारे अवतार मैंने दर्शन किए, लेकिन ये बाल गोपाल रूप मैंने दर्शन नहीं किया, एक बार दर्शन कर दो, मैं खुश होकर चला जाऊंगा। इतने में कृष्णा रोना शुरू हुई। जब रोना शुरू की, मैया जितने थपथप लगाए उतना जोर जोर से रोए, पूरा परिवार परेशानी हो गए, लेकिन लाला का रोना बंद नहीं हो रहा है। एक गोपी ने बोले, मैया एक जो बाबा आया ना, वो आंख बंद करके बैठा हुआ, वो कहता है लाला को दर्शन नहीं कराऊंगा तो मैं जाने वाला नहीं, लगता है कोई लाला के ऊपर कोई जादू टोना कर रहा है। इतने में मैया यशोदा काले कपड़े से ओढ़ करके और मोटी मोटी काजल लगा दी, काजल का यहाँ पर बूंद लगा दी, काला धागा गले में बांध करके बड़े कष्ट से मैया ला करके केवल एक झलक श्री शंकर जी को दर्शन कराया। शंकर जी कन्हैया अभी तक तो रो रहे थे और शंकर जी के दर्शन मात्र से ही कन्हैया तक खिलखिला कर हंसने लग गए और शंकर जी रोना शुरू कर दिए। मैया सोचे बाबा जरूर कुछ जानता है, क्योंकि लाला का जो रोना को ले लिया और अपना हंसना लाला को दे दिया, लगता है ये कुछ जानता है। इसलिए इतने में मैया बोले, बाबा तेरे को कोई जादू तो ना आता है? बोले हाँ। बोले मेरे लाला के ऊपर में बड़े जल्दी नजर लग जाती है, कुछ जानते हो? बोले अगर एक काम करोगे ना, कभी नजर लगेगा नहीं। बोले बता दे। बोले जब जब तेरे लाला को तुम स्नान कराओगे, उसका जो चरणामृत पानी को मेरे सर पर जाकर डाल देना। बोले बाबा कर लूंगा। बोले और कुछ करना पड़ेगा? बोले और एक काम करोगे तो कभी भी तेरे लाला को नजर नहीं लगेगा। बोले बता दो। बोले तो लाला को जब कोई खाना खिलाओगे, वो प्लेट में जो बच जाएगा ना, उसको ला करके मेरे को दे देना। बोले बाबा मैं सो कर लूंगा। देखो आप लोग नंदगांव गए होंगे, वहां पर जो पर्वत है वो नंदीश्वर महादेव है, ऊपर देखे होंगे ना शंकर जी ऊपर में, वहां से एक नाली वहां पर आई। जब भगवान कृष्ण को स्नान कराया जाता है, वो साथ डायरेक्ट वो पानी आकर के शंकर जी का जो शिवलिंग है उसको ऊपर में गिरता है, क्योंकि भगवान की जो चरणामृत ये गंगा है, वामन देव का चरणामृत ही गंगा है। इसलिए शंकर का सबसे जो प्यारा है कदी माता गंगा है। इसलिए जो कावर लो कावर लेकर जाते हैं ना, शंकर जी के सर पर पानी डालते हैं, क्यों इतना प्रसन्न होते हैं? बोले भगवान का चरणामृत है। जब भगवान कोई चीज को खाते हैं वो महाप्रसाद होता है, लेकिन जब किसी भक्तों को भोग लग जाए कहते वो महा महाप्रसाद हो जाता है। इसलिए जब कोई चीज को भगवान का प्रसाद के बाद में शंकर जी खाए तो उसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए घर में आप लोग देखो, ध्यान देकर सुनो, जैसे घर में कोई चीज बनता है ना, डायरेक्ट शंकर जी को, पार्वती को और हनुमान जी को भोग नहीं लगानी चाहिए, सबसे पहले कृष्ण हो नहीं तो भगवान राम हो, उनको तुलसी दल से भोग लगाओ, फिर वो प्रसाद को लेकर के पार्वती हो शंकर जी हो, फिर ये प्रसाद को उनको भोग लगाओ, वो बड़े प्रसन्न होकर खाते हैं। इसलिए हम क्या क्या कभी क्या करते हैं, लड्डू बनाए और हनुमान जी को सीधा लेकर भोग लगाते हैं, नहीं तो उनको मुंह में ठोसने लग जाते हैं लड्डू खाओ। क्या हनुमान जी भूखे हैं तुम्हारे लड्डू खा लेंगे? हनुमान जी कब खाते हैं? जब भगवान को राम को भोग नहीं लगे, जब माता जानकी को कोई चीज भोग नहीं लगता है ना, भले ही जितना मन लड्डू भोग लगा दो, हनुमान एक किनका भी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन अगर प्रभु राम और सीता जी को कोई चीज भोग लग जाए ना, लगाने का जरूरत नहीं, हनुमान जी लपक करके खा लेंगे। क्यों? हनुमान जी भगवान की ये परम भक्त श्री हनुमान जी। इसलिए पहले भगवान को भोग लगनी चाहिए। शंकर जी का जो स्वरूप है ये वैष्णव है शंकर जी, और माता जो देवी ये परम वैष्णव भी है। देखो आपको एक छोटी सी पद्म पुराणी कथा सुनाता हूँ, अब ये कथा सुन करके ना आपको बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी। बोले एक समय श्री नारद जी, उन्होंने सुना अगर कोई भगवान का प्रसाद होगा एक बार ग्रहण करे, नारायण कृष्ण राम की, वो जन्म मृत्यु का चक्कर से चिरकाल के लिए मुक्त हो जाता है। नारद जी भगवान नारायण के पास में पहुंचे, बोले प्रभु थोड़ी सी आपका प्रसाद दो। नारायण बोले भैया मैं प्रसाद नहीं दे सकता हूँ, ये लक्ष्मी बना करके मेरे को भोग लगाती, लक्ष्मी के पास में जाओ। लक्ष्मी बिगड़ गई, बोले इतना कष्ट करके मैं खाना बनाती हूँ,
प्रभु प्लेट में जो छोड़ देते हैं उसको खा करके मैं जीवन धारण करती हूँ, तू बीच से कहाँ गया, प्रसाद नहीं मिलेगा, भाग यहाँ से। फिर दुखी होकर के प्रभु नारायण के पास में गए। नारायण बोले एक काम कर सकते हो? बोले बताओ प्रभु। बोले तेरे को एक गुप्त बात बताता हूँ, मेरे मंदिर को पीछे के कुआ है वो ढका हुआ है, वो ढक्कन को खोल करके उसमें स्नान करना, स्नान करते ही एक सुंदर गोपी रूप तुम धारण करोगे और वह रूप को लेकर के माँ लक्ष्मी को पास में जाना और इतने चरण की सेवा करना, इतने चरण की सेवा करना जैसे लक्ष्मी मजबूरी हो जाए तुमको कुछ देने के लिए। फिर जब वो कुछ बोलेगी लो तब भी लेना नहीं, मांगना तो तीन बार उसको कसम खिलाना फिर मांगना, नहीं तो नहीं मिलेगी नहीं। अगर ऐसे कर सकते हो फिर प्रसाद मिलेगा। इसलिए नारद जी कितने हजार साल तक मैया लक्ष्मी की चरण सेवा की। जब मैया लक्ष्मी संतुष्ट हो गई बोले बर मांगो, बोले तीन बार कसम खाओ। जब कसम खाए बोले भगवान का थोड़ा प्रसाद दे दो। लक्ष्मी बोली लगता है तेरे ये असली रूप नहीं, तुम सही सही बताओ तू है कौन। तब श्री नारद जी वहां पर प्रकट हुए, बोले हाँ तुमने पहले आया था ना प्रसाद लेने के लिए। बोले हाँ। बोले तेरे को ये रास्ता किसने बताया? बोले प्रभु स्वयं बताए, प्रभु ही स्वयं बताए। जब भगवान नारायण प्रसाद पाए उसको बाद में माँ लक्ष्मी दाल चावल जो सबको मिला करके उन्होंने थोड़ी सी उनको हाथ में प्रसाद दिया। नारद जी प्रसाद पा करके ऐसे नृत्य करना शुरू किया, नृत्य करते करते पहुंचे कैलाश में। वहां पर श्री भोले बाबा बैठे हुए थे ध्यान में। बोले भैया नारद आज इतने क्यों नाच रहे? उनको अंदर में तो आनंद है लेकिन आज तो कोई विशेष आनंद दिख रहा है। बोले नारद जी क्या बात है आप इतने प्रसन्न क्यों? बोले ठाकुर जी के प्रसाद मिला है। शंकर जी कहते हैं प्रसाद अकेले नहीं खानी चाहिए, बांट कर खाओ तो वैकुंठ जाते हैं, मेरे लिए कुछ लाए ही नहीं। बोले कितने हजार साल के बाद में मेरे को थोड़ी सी मिला है। बोले देखो ना तुम्हारा हाथ में लगा होगा, देखा सचमुच तो केवल एक अन्न का दाना श्री शंकर जी के हाथ में लगा हुआ था। शंकर जी एक अन्न का दाना खा करके तांडव नृत्य करना शुरू कर दिए, कैलाश डगमगाने लगा। वहां पर माता पार्वती थी। पार्वती बोली क्या बात आज प्रभु नारद इतने क्यों नृत्य कर रहे हैं? बोले प्रभु आज इतने क्यों नृत्य कर रहे हो? बोले आज ठाकुर जी को मुझे प्रसाद मिला। पार्वती बोली प्रभु मैं आपके अर्धांगिनी हूँ, पति को जो कुछ मिले आधा हिस्सा पत्नी के होता है, मेरे लिए कुछ रखे कि नहीं? बोले अरे उनके हाथ में एक किणिका था। बोले जो कुछ हो आधा हिस्सा मेरी है। मैया पार्वती को बड़ा क्रोध आया। बोले नारद जी बड़े स्वार्थी बने और शंकर जी को मिला तो वो भी सबके सब खा लिए, मेरे को दिए नहीं। बोले मैं और ये कैलाश में नहीं रहूंगी, मैं ये कैलाश छोड़ करके भरते जगत में जाऊंगी। बोले कहाँ? बोले श्री जगन्नाथपुरी में। इसलिए जो वाहन पीठ में जगन्नाथपुरी मंदिर में एक बिमला है। जगन्नाथपुरी कोई गए हो? कौन कौन जगन्नाथपुरी गए? आप देखना जगन्नाथ मंदिर को ठीक पीछे वहां पर माता जी की चरण गिरा था, वहां पर एक पीठ है बिमला देवी, उन्होंने कैलाश को छोड़ दिए। बोले मैं वहां पर जाकर के जगन्नाथ जी का जो भोग लगेगा सबसे पहले मैं खाऊंगी। वो माँ है ना, माँ क्या करती है? सबको खिला करके माँ खाती है। इसलिए आप जगन्नाथपुरी में जाना, जगन्नाथ का डायरेक्ट जो सोने का थाली में प्रसाद है वो सीधा जगन्नाथ जी को बाद में आएगा माँ बिमला देवी के पास में। वो खा करके जितने लोग वहां खड़े होंगे सबको वो प्रसाद देना पड़ेगा, क्योंकि मैया बोल करके आई थी मैं अकेले नहीं खाऊंगी, सारा दुनिया को ये प्रसाद मिलाऊंगी। इसलिए पृथ्वी में सबसे जो बड़ा होटल बताया गया कि जगन्नाथपुरी और जगन्नाथ जी मंदिर है। जितने लोग वहां प्रसाद पाते हैं ना दुनिया में कहीं भी इतना लोग नहीं प्रसाद पाते हैं। इसलिए भगवान की प्रसाद के लिए सारे देवादेवी तरसते हैं। इसलिए आप लोग कुछ भी खाओ पहले माता जी को शंकर जी हनुमान गणेश इनको डायरेक्ट कोई चीज भोग नहीं लगाना, नहीं तो ये खाते ही नहीं कभी, क्योंकि शंकर जी वैष्णव और माता पार्वती वैष्णव ही है, भगवान की प्रसाद खाते हैं। अगर प्रसाद दो ना बड़े प्रसन्न होकर के आपका आशीर्वाद देंगे। बोले खूब फलते फलते रहो आप लोग। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हाँ आज है एकादशी तिथि है, एकादशी व्रत रखे हो कोई? कहीं कौन कौन रखे हो हाथ उठाओ तो, एकादशी व्रत कौन कौन रखे?
हाँ, बहुत सारे भक्त लोग एकादशी व्रत रखते थे। देखो आज का जो दिन है ना, विशेष करके हमारे हिंदू लोगों के लिए सबसे बढ़िया दिन आज है। जानते हो क्यों आज बढ़िया दिन? जानते हो आज क्या हुआ था? बताओ तो आज का दिन क्या हुआ था? हाँ, आज है गीता जयंती। देखो हमारी हिंदुओं के अंदर में यही कमी है, किसी मुसलमान को पूछ लो कुरान के बारे में बता देंगे, किसी क्रिश्चियन को बोल दो वो अपना बाइबल के नाम पर बता देगा, लेकिन हमारे हिंदुओं को पूछो तो कुछ बताएगा। लेकिन सारा जब हमारे जनवरी फर्स्ट होता है ना, हमारे हिंदू लोग इतने पागल होकर के नाचते हैं गाते हैं। ये अंग्रेजियों का है, जनवरी जो फर्स्ट ना हिंदू लोगों के लिए नहीं है, ये अंग्रेजियों का तिथि को इतने धूमधाम से बढ़ाते हैं। लेकिन हमारे भारतीयों का जब दिन है बैसाख जो है वो पहला दिन, इसमें कुछ नहीं करते। वो क्रिश्चियन का धर्म को अपने आप क्रिश्चियन धर्म को उसमें नाच कूद करके पता नहीं उसमें पटाखा फुटा दे क्या क्या करते हैं, लेकिन अपना हिंदू धर्म में कोई इंटरेस्ट नहीं हमारे हिंदू लोगों का। इसलिए आज का दिन ये गीता जयंती है। आज ही भगवान कृष्ण उन्होंने अर्जुन को महाभारत युद्ध में ये गीता का उपदेश भगवान आज दिए हैं, इसलिए आज ये गीता जयंती है। जैसे मुसलमान का कुरान होता है मूल ग्रंथ है, और क्रिश्चियन का बाइबल है, और हिंदुओं का कौन सा ग्रंथ है? कहते हैं भगवद गीता है, हैं? इसलिए गीता की महात्मा में बताए बोले गीता सुगीता कर्तव्या किमनई शास्त्र विस्तरई जा स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मं विनिर्सिता। इसका मतलब है बोले गीता सुगीता कर्तव्य की मन नहीं शास्त्र विस्तरई। भैया दूसरे दूसरे शास्त्र पढ़ने का क्या जरूरत है, क्योंकि गीता कहाँ से निकली? बोले भगवान की मुखार बिंद से ये भगवत गीता निकली है, हैं? ये भगवत गीता निकली है, इसलिए आज गीता जयंती है। और विशेष करके आज एकादशी, एकादशी तिथि भगवान का सबसे प्यारी तिथि एकादशी तिथि है। और गीता का जो सर्वश्रेष्ठ उपदेश है, कृष्ण अर्जुन को बहुत कुछ उन्होंने बात बताई, कर्म ज्ञान योग तरह तरह का उपदेश उन्होंने दिया। कृष्ण लास्ट में कहते बोले हे अर्जुन सर्वगृहतम भूय श्रेणु में परम बच, अभी तक तेरे को गुह्य तरह और गुह्यतम बात मैंने तुमको बता चुका हूँ, चूंकि तू मेरे सखा हो अभी तेरे को सारी गुह्य गोपनीय में सबसे जो गोपनीय बात है तेरे को बताने जा रहा हूँ, क्योंकि तू मेरे सखा हो। एक दोस्त है, एक दोस्तों के सामने दिल खोल कर बोल देता है, देखना घर में